हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और हमारी वित्तीय बाध्यताओं को देखते हुए हमने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए ये कानून हम विधानसभा में लेके आए हैं। राज्य की जो नदियां हैं और जो सहायक नदियां हैं जो उसमें पानी बह रहा है वो एक लाभप्रद स्रोत हो सकता है, उससे इनकम जनरेट की जा सकती है। और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने और जम्मू कश्मीर ने जल विद्युत उत्पादन पर ऐसा कर लगा रखा है, दूसरे राज्यों में लगा हुआ है, लोग अदालतों में भी गए और अदालतों ने सरकारों का पक्ष सही माना है। इसको देखते हुए वर्तमान में राज्य में 10,991 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 172 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन पे हम टैक्स प्रस्तावित कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल पे कर्जा बहुत है और टैक्स बेस हमारा बिल्कुल नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में राज्य में गंभीर वित्तीय बाध्यताओं को निपटाने के लिए हम वित्तीय संसाधन अर्जित करने जा रहे हैं और इससे लगभग 4,000 करोड़ के आसपास जो है आय का प्रस्ताव हम विधानसभा के समक्ष लेके आए हैं। ऐसे में अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 5 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय ये जो कानून लेके आए हैं मैं आपकी सूचना के लिए रात को 2:08 पे मैंने इसको साइन किया है। ये सरकार कितनी मेहनत से काम कर रही है, मैं अपने अधिकारियों को कर्मचारियों को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूरी मेहनत से जो है इस पे काम किया और इसको विधानसभा में आपके समक्ष लेके आए। धन्यवाद, थैंक यू। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बिल नंबर 5 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए, तो प्रश्न यह है कि बिल नंबर 5 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरुद्ध है ना कहें। हाँ की हाँ में रही, प्रस्ताव स्वीकार, अनुमति दी गई। अब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बिल नंबर 5 को पुनर्स्थापित करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय ये कर जो है जो पन बिजली परियोजनाओं पे लगा है, ये आम जनता पे कोई कर नहीं लगा है। जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं 10,991 मेगावाट की जो योजनाएं हैं उन पे लगा है। ये सदन को मैं सूचित करना चाहता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश के आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में कारगर कदम उठाने की दिशा में ये एक नई पहल है। तो अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 का विधेयक संख्या